एवरीवन, आई होप कल के वीडियो में आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूरी तरह समझ में आया होगा। बट एज आई सॉ बहुत सारे बच्चों ने अभी तक उसका जवाब लिखकर भेजा नहीं जो क्वेश्चन मैंने दिया था। आप सब जवाब भेजिए, फिर फर्दर क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे। एंड डोंट वरी, नहीं समझा होगा अगले लेक्चर में आपको जरूर समझ में आएगा। टुडे ओसीएम चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हमने मैनेजमेंट देख लिया, मैनेजमेंट के डाउट्स को भी सॉल्व किया, तो फिर भी एक बार हम डाउट्स उसके सॉल्व करेंगे। बट फिलहाल चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप, मैं आपको ये पहले बता दूं एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर आपको हर एक बात में रिलेट करूंगा। एंटरप्रेन्योर पहले याद रखना, एंटरप्रेन्योर होता है उभरता हुआ सितारा जो बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। ऐसा बंदा जो नए नए आइडियाज लेकर आता है, ही इज प्रोवाइडिंग फुल टाइम जॉब। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब जिसमें रिक्वायरमेंट होती है हार्ड वर्क की और डेडिकेशन की। हार्ड वर्क इज फ्रॉम द हार्ट एंड डेडिकेशन इज फ्रॉम द रियली माइंड। जब इंसान तन मन धन तीनों को लगा के पैशनेटली सोचता है कि मुझे कुछ बिजनेस में कर दिखाना है, तब वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाने लायक होता है। ही इज अ इनोवेटर, इनोवेटर न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी जो मार्केट में कभी किसी ने सोचा ना हो, ऐसा कुछ कर दिखाए जो मार्केट में कभी किसी ने प्लान ना किया हो कि स्विगी जैसा एक रसगुल्ला हमारे घर तक पहुंचाएगा, वो होता है इनोवेटर। जोमैटो पे ऑर्डर देने पे हमारे पास घर पे आ जाएगा। जोमैटो पे देना मतलब हाँ, चाइना का प्रोडक्ट है। जोमैटो पे ऑर्डर देने से हमारे पास घर पे प्रोडक्ट आ जाएगा। ओनर, ही इज द ओनर। एंटरप्रेन्योर खुद में अपने आप में इनोवेटर होता है, ओनर होता है, प्रोड्यूसर होता है, मार्केट क्रिएटर होता है, डिसीजन टेकर एंड रिस्क टेकर होता है। मतलब वो खुद डिसीजन लेता है, उसे मालूम है कि बिजनेस इज अ नेम ऑफ रिस्क। याद रखना बच्चों, बिजनेस खोल के बैठो तो रिस्क को लेके बैठो, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, क्योंकि एंटरप्रेन्योर डरता नहीं है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो करूंगा जो कोई और नहीं करता और प्रॉफिट मैं यूं कमा के दिखाऊंगा। अपने माइंड से दिमाग लगाएगा, मार्केट को रीड करता है कि इस समय मार्केट में किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है, उस चीज को किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है, वो उसका क्रिएटर बनता है और मार्केट में अपना नाम एज एन एंटरप्रेन्योर लेके चला आता है। आप ये दो पॉइंट पहले पढ़िए, कहीं नोट करिए। थर्ड पॉइंट पे इसके बाद वाले वीडियो में मैं आता हूं।